न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। मजदूर को कब मिलेगी राहत? सरकार की ओर से निकलने वाली ऐसे कई योजनाएं हैं जो मजदूर और उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण लाखों लाभार्थी योजना से वंचित रह जाते हैं। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, तो आइए एक नजर डालते हैं श्रद्धा तिवारी के साथ महाराष्ट्र के नंबर वन न्यूज चैनल एमएनएस न्यूज की मिली जानकारी पर। शिवसेना यूटीपी प्रणित कामगार शक्ति सेना नागपुर का धरना आंदोलन आज 20 जून को मजदूरों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मजदूर के साथ बांध काम कमिश्नर ऑफिस में बात हुई और नागपुर कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर से भी मुलाकात हुई, जहां साथ मजदूरों को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने भी हमें मैसेज दिया, तो हमने उनसे मुलाकात करके मजदूरों के प्रॉब्लम बताए। मजदूरों को बार बार घुमाया जाता है, दिन का सर्टिफिकेट के लिए महानगर पालिका में घुमाया जाता है। बांधकाम मजदूरों की छोटी छोटी गलती निकाल कर बांधकाम ऑफिसर मजदूरों के फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। मजदूर आखिर थका जा रहा है, साल बीता जा रहा है और पैसे खर्च कर रहा है और फायदा कुछ नहीं हो रहा। दिन में फॉर्म एक्टिव नहीं करे तो मजदूर आंदोलन करेंगे, ये हमने फैसला किया है। करीब आज 200 मजदूर ने सपोर्ट करा। साबिरुद्दीन खान शहर प्रमुख शिवसेना यूटीपी प्रेरित कामगार शक्ति सेना नागपुर। अगर आप मुझे देंगे तो सबको संडे को बुलाता हूँ मैं अधिकारियों को, उसके कैंप लगवाए तो आपके एरिया में कैंप लग जाएगा तो काम हो जाएगा। पूरे नागपुर में हम दोनों का काम है, ये आप तो आवाज आ रहा है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब तो चला है दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।